Hello IP students, today our topic is Python NumPy Array and this is Python NumPy Array part 6. In this lecture we are going to discuss different functions used in Python NumPy Array. So let's start. First of all let us talk about concatenation used in Python NumPy Array. So there is a function named concatenation. Actually concatenate is a function which is used to concatenate two arrays. So there is a small program here. Let us discuss this program. It will give a clear idea how two array will be concatenated using concatenate function. So let's start. So सबसे पहले क्या करना है आपको? As usual, import numpy as np. numpy को import करेंगे. Rename कर दिया हमने np से, तो अब कभी आपने अब np के np से यूज़ करना होगा. numpy को numpy की जगह हमें np लिखना होगा. जहाँ कभी भी हमें numpy लिखना होगा वहाँ अब हम np लिखेंगे. रीनेम कर दिया अभी हमने इसे. आगे देखते हैं. एक एरे बनाया. देखिए कॉन्कैटिनेशन का क्या मतलब होता है. जैसे हम नंबर्स को ऐड करते हैं, 1 + 2 = 3 होता है रिजल्ट. लेकिन स्ट्रिंग में जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो कॉन्कैटिनेशन होता है. और एरे में भी सेम फंक्शन सेम ऑपरेशन परफॉर्म होता है. कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ टू स्ट्रिंग्स और वी कैन सी दैट एरेज. तो जब हम कॉन्कैटिनेट करते हैं तो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करते हैं, एरे को कॉन्कैटिनेट करते हैं. इवन अगर हम नंबर को भी कॉन्कैटिनेट करें तो इसका मतलब जैसे 1 और 2 को कॉन्कैटिनेट करें तो आंसर 12 आएगा, 1 2 आएगा. ठीक है, तो जस्ट वन आफ्टर एनदर आपका डेटा अटैच हो जाता है, उसे कॉन्कैटिनेशन बोलेंगे यहाँ पर हम. तो अभी एक एरे चाहिए हमें, एटलीस्ट 2 एरे चाहिए कॉन्कैटिनेशन करने के लिए. हम एरे की कॉन्कैटिनेशन की बात कर रहे हैं. एरे स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेशन आपने पढ़ा होगा 11th में. तो यहाँ पर हम फोकस रखते हैं सिर्फ एरे के ऊपर. तो क्या करना है, सबसे पहले आपके पास 2 एरे होने चाहिए. और एरे हैं आपके पास एरे 1 और एरे 2. अभी एरे क्रिएट करने के लिए आपको पास डेटा होना चाहिए और वो डेटा हमारे पास लिस्ट की फॉर्म है. यहाँ देखिए आप, ये डेटा है, एक लिस्ट की फॉर्म है, नेस्टेड लिस्ट है. यहाँ भी एक नेस्टेड लिस्ट है. तो ये एरे 1 के लिए है जिसका नाम AR1 है. ये एरे 2 के लिए जिसका नाम AR2 है. ये 2 एरे ले लिए हमने और इनको हमने एरे फंक्शन की हेल्प से एरे में कन्वर्ट कर लिया. सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, np.array और फिर जो भी लिस्ट है वो. तो लिस्ट को एज ए पैरामीटर वैल्यू पास कर दिया हमने इसके अंदर, आप देख पा रहे होंगे इसमें. और इसी तरीके से एरे 2 के अंदर भी हमने ये काम किया. तो ये लिस्ट फिर फाइनली आपकी एरे में कन्वर्ट हो जाएगी. अभी हमको चेक करना है कि एरे क्या है हमारा. तो मैंने इसके लिए एक एरे को प्रिंट करा दिया, दोनों एरे को प्रिंट करा दिए 1 by 1 मैसेज के साथ. तो पहले लाइन प्रिंट होगी फर्स्ट एरे इज़, उसके बाद एरे प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद मैसेज प्रिंट होगा सेकंड एरे इज़, सेकंड एरे के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे. क्लियर है. अब बात करते हैं कॉन्कैटिनेशन की. तो कॉन्कैटिनेशन कैसे परफॉर्म होता है ये समझना ज़रूरी है. और इसको समझने के लिए आपको 3 फंक्शंस को समझना होगा. एक जो सबसे सिंपल फंक्शन है कॉन्कैटिनेशन के लिए, उसका नाम ही कॉन्कैटिनेट है, तो वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन कुछ और फंक्शंस भी हैं जिसके थ्रू कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, वो है एच स्टैक और वी स्टैक. अभी देखिए जब हम 2 डायमेंशनल एरे की बात करते हैं तो हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि ये जो कॉन्कैटिनेशन होगा ये किस एक्सिस में होगा. ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सिस होती है एक्सिस 0. अगर हम एक्सिस मेंशन नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सिस 0 होगी. और अगर हम एक्सिस मेंशन करते हैं तो जिस एक्सिस के अकॉर्डिंग हम कॉन्कैटिनेट करना चाहें उस एक्सिस के अकॉर्डिंग कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं कॉन्कैटिनेट फंक्शन का यूज़ करते हुए. वहाँ तो कोई इशू नहीं है. क्लियर. अभी इसमें आप ये देखिए, जैसे लिखा हुआ एच स्टैक AR1, AR2. तो ये भी एक फंक्शन है, इसमें एक्सिस मैटर नहीं करती क्योंकि ये जो एच स्टैक फंक्शन है ये हॉरिजॉन्टली आपका ये हॉरिजॉन्टली कॉन्कैटिनेट करता है. इसलिए एच यहाँ पर हॉरिजॉन्टल को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो एच स्टैक फंक्शन में हॉरिजॉन्टली आपका कॉन्कैटिनेट होता है, वी स्टैक में वर्टिकली कॉन्कैटिनेट होता है आपका. और जब आप कॉन्कैटिनेट फंक्शन यूज़ करेंगे तो वहाँ ये याद रखिएगा, वहाँ आपको एक्सिस मेंशन करना ज़रूरी है. अगर स्पेशली अगर आप एक्सिस 0 के अलाउंग कॉन्कैटिनेट करना नहीं चाह रहे तो फिर आपको एक्सिस 1 को लिखना ज़रूरी है. अगर नहीं लिखेंगे तो एक्सिस 0 के अलाउंग बाई डिफ़ॉल्ट हो गई होगा. तो जहाँ तक पैरामीटर वैल्यूज की बात है तो आप यहाँ एच स्टैक में तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो भी फंक्शन जिनको भी आप कॉन्कैटिनेट करना चाह रहे हैं उनको एज अ पैरामीटर वैल्यू पास कर दीजिए, कॉमा लगा के सेपरेट करते जाइएगा, वो सभी कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे. यहाँ 2 लिया है सिंपलिसिटी के लिए, आप 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस केस में भी. ठीक है,
इसमें देखिए, इसमें आपका एरे वन और एरे टू, तो यहाँ पर वर्टिकली कॉन्कैटिनेट किया गया है। जब लेकिन हम ए थ्री की बात करते हैं तो ए थ्री में जब हमने कॉन्कैटिनेट फंक्शन यूज़ किया गया है तो इसमें एरे वन एरे टू को पैरामीटर वैल्यू तो लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर एक पैरामीटर और है जिसका नाम है एक्सेस। तो एक्सेस इक्वल टू जीरो मैंशन कर दिया है। इसको हम अवॉइड कर सकते थे, अगर नहीं भी लिखते तो बाई डिफॉल्ट एक्सेस जीरो के अलॉन्ग ही कॉन्कैटिनेट होता है, और अगर हम लिखेंगे तो वर्टिकली कॉन्कैटिनेट होगा। तो ए फोर में आप देखिए np.concatenate array 1 comma array 2 और फिर एक्सेस 1, तो वर्टिकली एक्सेस 1 के अलावा कॉन्कैटिनेट होगा यहाँ पर। तो अभी तक इस प्रोग्राम के अंदर, स्लाइड के अंदर हमने ये जो देखा वो ये देखा ही कि हमने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दो एरे बनाए, क्रिएट किए यूजिंग एरे फंक्शन, और जब दोनों एरे बन गए, सेम साइज है दोनों का, तो फिर हमने दोनों एरे को प्रिंट करा दिया ताकि हमें स्क्रीन पर दिखाई दे कि हम जो कॉन्कैटिनेट करने जा रहे हैं वो एरे क्या है, रिजल्ट कम से कम शो। उसके बाद हमने थ्री डिफरेंट फंक्शंस की हेल्प से कॉन्कैटिनेट करने की कोशिश की गई है। पहला है एच स्टैक जो हॉरिजॉन्टली कॉन्कैटिनेट करता है, सेकंड है वी स्टैक जो वर्टिकली कॉन्कैटिनेट करता है, थर्ड है कॉन्कैटिनेट फंक्शन जो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों करता है। उसके लिए उसके अंदर एक पैरामीटर वैल्यू एक्स्ट्रा है जो है एक्सिस, तो वहाँ हमको एक्सिस को डिफाइन करना पड़ेगा। अगर हम एक्सिस जीरो लिखेंगे तो हॉरिजॉन्टली करेगा, और एक्सिस वन लिखेंगे तो वर्टिकली करेगा। ठीक है, अभी इतना काम हो चुका है, अभी हमें रिजल्ट को प्रिंट कराना है खाली। तो अभी हमें एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया, और प्रिंट स्टेटमेंट है कॉन्कैटिनेट ऑफ नंपाई एरे यूजिंग एच स्टैक फंक्शन। तो इसको भी लिखना ज़रूरी इसीलिए ताकि पता चले कि हमने क्या किया है और किस चीज़ का रिजल्ट शो हो रहा है। तो हमको यहाँ दिखाना है कि हमने नंपाई एरे को कॉन्कैटिनेट किया है एच स्टैक फंक्शन की हेल्प से, और ये काम किया गया था आपने ए वन एरे के थ्रू। ए वन एरे में रिजल्ट स्टोर था तो प्रिंट ए वन करा देंगे, फिर आपका जो रिजल्ट था वर्टिकल स्टैक का वो स्टोर किया था हमने ए टू में, तो एक मैसेज प्रिंट कराएंगे कॉन्कैटिनेट ऑफ नंपाई एरे यूजिंग वी स्टैक फंक्शन, और फिर प्रिंट ए टू, तो ए टू को प्रिंट करा दिया यहाँ पर हमने। और लास्ट में जाके अभी हमको एक्सिस के अलॉन्ग भी बताना है आपको। ठीक है, तो अभी हम कॉन्कैटिनेट फंक्शन की हेल्प से हमने किया था, तो अलॉन्ग एक्सिस जीरो ए थ्री प्रिंट करा दिया, अलॉन्ग एक्सिस वन ए फोर प्रिंट करा दिया। तो यहाँ तक हमने क्या काम किया कि जो कॉन्कैटिनेट हम कर चुके थे ऑलरेडी डिफरेंट फंक्शंस की हेल्प से, उसके रिजल्ट को हमने शो किया है। तो हमारे पास फोर एरे थे ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, जिसमें हमने रिजल्ट को स्टोर किया था, उनको प्रिंट करा दिया विद मैसेज ताकि समझने में कोई परेशानी ना हो। ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट एरे है, ये हमारा सेकेंड एरे है, अभी हमको इसको कॉन्कैटिनेट करना है। तो मैसेज देखिए अब दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अब देखिए इससे आपको पता चलेगा कि जो मैसेज प्रिंट के थ्रू कराया था वो क्यों कराया था, ताकि आपको रिजल्ट भी साथ साथ पता चल जाए। तो एच स्टैक हॉरिजॉन्टल स्टैक, तो ये देखिए हॉरिजॉन्टली ऐड होंगे वन आफ्टर अनदर, साइड बाय साइड होंगे। ठीक है, तो पहला जहाँ ये आपका फर्स्ट एरे है एरे ए वन, इसके बाद स्लैश एरे ए टू, इस तरीके से ये दोनों कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे जब आप हॉरिजॉन्टली इनको कॉन्कैटिनेट करोगे। और वर्टिकली करोगे तो एक के बाद एक जहाँ फिनिश हुआ है सेकंड एरे वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, तो साइड बाय साइड तो होता है एच स्टैक में, और वन आफ्टर अनदर एक के बाद दूसरा स्टार्ट होगा वी स्टैक में, वर्टिकल स्टैक में अंदर, ये देखिए आप। ठीक है, तो अभी ये एक एरे कॉन्कैटिनेट होने के बाद एक एरे बन गया आपका। ये आगे देखते हैं, अब यहाँ पर जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हमने कॉन्कैटिनेट फंक्शन की हेल्प से कॉन्कैटिनेट किया है अलोंग एक्सिस जीरो, तो रिजल्ट आया ये हमारा। अभी ये जो रिजल्ट है ये सेम रिजल्ट है जो वी स्टैक का रिजल्ट है। क्लियर, तो क्या मतलब हुआ इसका, वी स्टैक वही काम करता है जो कॉन्कैटिनेट फंक्शन काम करता है अलोंग एक्सिस जीरो। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम वी स्टैक वर्टिकली स्टैक अप्लाई करते हैं, वर्टिकल स्टैक अप्लाई करते हैं, तो एक्चुअली में एक्सिस जीरो के अलोंग एरे कॉन्कैटिनेट होते हैं। ठीक है, एक्सिस जीरो के अलोंग, इसको एक्सिस जीरो बोलते हैं, रो वाइज रोज ऐड हो जाती हैं। और जब हम एक्सिस वन के अलोंग करते हैं कॉन्कैटिनेट, तो एक्चुअली वो रिफ्लेक्ट करता है एच स्टैक को। ठीक है, ये देखिए आप रिजल्ट में एच स्टैक का रिजल्ट सेम है जो कॉन्कैटिनेट अलोंग एक्सिस वन के अलोंग रिजल्ट है, यानी वर्टिकली कॉलम्स ऐड हो जाते हैं वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक आ जाते हैं, सॉरी साइड बाय साइड आ जाते हैं।
तो ये बात याद रखिएगा आप। क्या बात है? बात यह है कि कॉन्कैटेनेटेड अलोंग एक्सिस ज़ीरो मींस वी स्टैक, ये देखिए वी स्टैक, और कॉन्कैटेनेटेड अलोंग एक्सिस वन इज इक्वल टू एच स्टैक। इसको याद रखिएगा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन जाता है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो वहाँ ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो आई थिंक अभी क्लियर हो चुका होगा। अभी थोड़ा सा इसको एक बार रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको, किया क्या इस प्रोग्राम के अंदर हमने। हमने सबसे पहले एरे बनाए, एरे क्रिएट किए। जब हमारे एरे क्रिएट हो गए, और एरे किसकी हेल्प से क्रिएट किए? लिस्ट की हेल्प से। तो लिस्ट की हेल्प से एरे फंक्शन का यूज़ करके हमने एरे क्रिएट किए, और जब हमारा एरे क्रिएट हो गया तो फिर हमने थ्री डिफरेंट फंक्शंस की हेल्प से कॉन्कैटेनेट ऑपरेशन को परफॉर्म किया। ये था एच स्टैक, हॉरिजॉन्टल स्टैक, सेकंड था वी स्टैक वर्टिकल, और थर्ड था कॉन्कैटेनेट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम कॉन्कैटेनेट फंक्शन यूज़ करते हैं तो हमें एक्सिस को मेंशन करना पड़ता है, क्योंकि कॉन्कैटेनेट एच स्टैक और वी स्टैक दोनों की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। ये अलग बात है कि अगर आप एक्सिस मेंशन नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जो होगा वी स्टैक होगा, वर्टिकल स्टैक होगा, या एक्सिस ज़ीरो के अलोंग आपका कॉन्कैटेनेट होगा। अगर आप एक्सिस वन करते हैं तो फिर एक्सिस वन के अलोंग होगा ही होगा वो। तो ये एक पॉइंट था, समराइज फॉर्म में मैंने इसको बता दिया है आपको। आई होप अभी ये क्लियर हो चुका होगा आपको कि किस तरीके से कॉन्कैटेनेट हुआ है इसमें। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। ठीक, ये आउटपुट था, आउटपुट से और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और बीच में जो मैसेज प्रिंट कराए थे वो सिर्फ इसलिए कराए थे ताकि आपको आउटपुट देख के क्लियर आइडिया हो जाए कि हुआ क्या है इस प्रोग्राम में। क्लियर है? मैसेज के साथ आउटपुट प्रिंट हो रहा है तो क्लियरली बता रहा है कि किस तरीके से शो हो रहा है रिजल्ट। तो एक तो ये था प्रोग्राम आपका, आई थिंक कॉन्कैटेनेशन का तो कॉन्सेप्ट अभी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं स्प्लिट की। तो स्प्लिट जस्ट अपोजिट होता है कॉन्कैटेनेशन के। तो अभी एक एरे है तो उसे हम स्प्लिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या फंक्शन यूज़ होता है उसके लिए? उसके लिए दो फंक्शन यूज़ होते हैं, एच स्प्लिट और वी स्प्लिट, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट और वर्टिकल स्प्लिट। जैसे एच स्टैक और वी स्टैक यूज़ होते थे कॉन्कैटेनेशन के लिए, उसी तरीके से यहाँ पर फंक्शन यूज़ होते हैं, एच स्प्लिट और वी स्प्लिट। क्लियर? और एक फंक्शन और है जिसका नाम है स्प्लिट। तो एक्चुअली यहाँ थ्री फंक्शन है, एच स्प्लिट, वी स्प्लिट और स्प्लिट, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट, वर्टिकल स्प्लिट और एक स्प्लिट फंक्शन। तो जैसे बताया गया था एच स्टैक, वी स्टैक और कॉन्कैटेनेट, तो कॉन्कैटेनेट में दोनों की फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, एच स्टैक और वी स्टैक दोनों के फीचर्स थे। उसी तरीके से स्प्लिट में एच स्प्लिट और वी स्प्लिट दोनों के फीचर्स अवेलेबल हैं। तो अभी क्या करना पड़ेगा, करना ये पड़ेगा कि पहले तो एरे होने चाहिए आपके पास, एटलीस्ट एरे होंगे तभी आप स्प्लिट करोगे। एरे तो कम से कम एक तो चाहिए ही आपको, और एक्चुअली एक ही चाहिए, एक ही एरे को हम स्प्लिट करेंगे अलग अलग तरीके से, ठीक है, और मैसेज को प्रिंट करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर एरे जो क्रिएट करते हैं, एरे फंक्शन की हेल्प से क्रिएट करके अरेंज फंक्शन की हेल्प से क्रिएट करते हैं। थोड़ा एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपका, थोड़ा रिविज़न भी हो जाएगा। तो अभी ऐसा है कि जब भी आप एरे बनाएं तो ये नहीं कि ज़रूरी कि अभी एरे फंक्शन की हेल्प से ही बनाना है, तो थोड़ा अलग करते हैं इस बार। तो थोड़ा रिवाइज करा देता हूं मैं। अरेंज फंक्शन के हेल्प से जब हम एरे क्रिएट करते हैं तो वन डायमेंशनल एरे बनता है, और वन डायमेंशनल को अगर हमें टू डायमेंशनल एरे में कट करना है तो उसके साथ एक फंक्शन और यूज़ होता है जिसका नाम है रीशेप। तो उसे रीशेप को दे देता है, शेप को चेंज कर देता है, वन डायमेंशनल को टू डायमेंशनल में कन्वर्ट कर देता है। तो सबसे पहली लाइन इंपोर्ट नंपाई एज एन पी, इसको मेंशन कर, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। आई थिंक अभी ये क्लियर हो चुका होगा, नंपाई लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया गया है और नंपाई को एज एन पी लिखा है नंपाई को, तो इसका मतलब अब हमें जहाँ भी नंपाई लिखना होगा उसकी जगह एन पी मेंशन करना होगा। अभी एक एरे लिया, एरे का नेम है ए आर वाई, लिखा एन पी डॉट अरेंज 24.0। अरेंज 24.0 का मतलब है ये वैल्यू आपको 0 से लेकर 24 तक मिल जाएंगी आपकी, ठीक है, ये वैल्यूज आपको अरेंज करनी है। और फिर आपने किया रीशेप, रीशेप किया 4.6, इसका मतलब 4 रोज और 6 कॉलम में इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि जितने नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होती हैं इसका मल्टीपल इसके बराबर आना चाहिए जो अरेंज के अंदर पैरामीटर दे रखा है, मतलब 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, ये देख लीजिएगा, ठीक है, सही आ भी रहा है। तो 4 रोज और 6 कॉलम बन जाएंगे, टोटल 24 एलिमेंट्स अरेंज हो जाएंगे और काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगी, 24 तक जाएगी यहाँ तक। तो सबसे पहले हम
एरे को प्रिंट कराएंगे, तो यहाँ प्रिंट कराया गया एरे। मैं दिखा देता हूँ एरे क्या प्रिंट होगा, तो आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा इसके अंदर। ये रहा एरे, ज़ीरो से स्टार्ट हुआ है 23 तक। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट और था कि जब ज़ीरो से स्टार्ट होगी काउंटिंग तो लास्ट एलिमेंट जो होगा वो 23 होगा। ठीक है, टोटल 24 एलिमेंट्स होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन काउंटिंग चूँकि ज़ीरो से स्टार्ट हुई तो 23 तक जाएगी। और इट मीन्स ये भी कह सकते हैं कि जो लास्ट एलिमेंट जो इसमें पैरामीटर वैल्यू दे रही होती है वो एक्सक्लूड होती है, ये भी कह सकते हैं इंक्लूड नहीं होती। हाँ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए, 24 आने चाहिए, वो आ भी रहे हैं, 4 × 6 24 होता है। तो ये हमने कर दिया, एरे को प्रिंट करा दिया। एरे को प्रिंट कराने के बाद फिर लिखा गया एच एस पी ए आर वाई 2। अब इसको टू पार्ट्स में स्प्लिट कर देगा, ये हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली स्प्लिट कर देगा। और इसके रिजल्ट को देखना चाह रहे हैं तो मैंने एक मैसेज प्रिंट कराया और फिर इसको प्रिंट मैं एरे को प्रिंट करा दिया, जो स्प्लिट जिसमें स्प्लिट करने के बाद रिजल्ट स्टोर किया गया। ठीक है, प्रोग्राम थोड़ा बड़ा है तो साथ साथ हम आउटपुट देखते जाएंगे, समझते जाएंगे क्या हो रहा है। एक्चुअली ये प्रोग्राम इस तरीके से बनाया गया है, या कोशिश ये की गई है कि ये आपको क्लियर कट ये बता सके कि किस तरीके से स्प्लिट फंक्शन एच स्प्लिट बी स्प्लिट काम करते हैं। तो अभी हम सिर्फ इसकी बात करते हैं जहां हमने A1 को प्रिंट कराया है। ठीक है, स्प्लिट कराने के बाद ये देखिए, अच्छा इसका सिंटैक्स है एच स्प्लिट लिखिए, लाइब्रेरी तो ऑफकोर्स लिखनी पड़ेगी np.hsplit, और ब्रैकेट में ary उस एरे को जिसको स्प्लिट करना चाह रहे हैं, कितने पार्ट में स्प्लिट करना चाह रहे हैं वो, तो टू लिखा है तो टू पार्ट्स में स्प्लिट होगा। चलिए देखते हैं क्या टू में ही हो रहा है। ये रहा इसका आउटपुट, ये रहा, ये फर्स्ट हो गया पार्ट और ये सेकंड पार्ट हो गया, बिल्कुल टू में ही हो रहा है। ठीक है, ये देखिए आप आसानी से आपको समझ में आ गया, 0, 1, 2, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20। तो एक तो एरे ये है और ये दूसरा एरे है, जहाँ मैंने ये रेड लाइन मार्क की है वहाँ से एरे स्प्लिट हो गया, और चूँकि हॉरिजॉन्टली किया है तो हॉरिजॉन्टली स्प्लिट हो गया इसको। ठीक है, एक ये बात समझ में आ गई आपको, क्लियर हो गया होगा आपको आई थिंक अभी। चलिए, इसके बाद अगर आपको वर्टिकल स्प्लिट करना है तो कहानी बड़ी सिंपल सी है, आपको करना पड़ेगा एच स्प्लिट की जगह वी स्प्लिट, बात वही करनी पड़ेगी ary, 2, तो ये वर्टिकल स्प्लिट हो जाएगा। यहाँ हमने इसे वर्टिकल स्प्लिट करने की कोशिश की गई है, देखते हैं ज़रा हॉरिजॉन्टली होगा, ये वर्टिकल स्प्लिट है, तो ये देखिए आप वर्टिकल स्प्लिट, ये तो ओरिजिनल एरे था आपका, तो ये वर्टिकल एक एरे ये बन जाएगा आपका और दूसरा एरे ये बन जाएगा आपका, सर्कल में देखिए क्योंकि वर्टिकली स्प्लिट किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। चलिए, अभी यहाँ तक हुआ तो ये हो गया आपका। अब प्रोग्राम के दूसरे फेज पर आते हैं और इसमें क्या करना है हमको, एक मिनट, वो करना ये है सेकंड स्लाइड, यहाँ देखिए। अब इसमें एक बात समझने की और है कि अगर हम दोनों एरे को स्प्लिट करने के बाद अलग अलग देखना चाहते हैं, यहाँ पर आप इन प्लेस ऑफ वन वेरिएबल आप टू वेरिएबल का नाम दीजिए तो विजिबिलिटी ज़्यादा सही दिखाई देगी आपको। ठीक है, और दोनों को अलग अलग प्रिंट कराएंगे तो बात कुछ और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। इसी तरीके से एच स्प्लिट का काम किया गया, इसी तरीके से वी स्प्लिट का काम किया गया, तो इसमें किया कुछ नहीं है, काम वही हुआ स्प्लिट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। लेकिन यहाँ पर जो हम पिछली बार एक एरे यूज़ कर रहे थे, अब वो हमने एक एरे यूज़ ना करके दो डिफरेंट एरेज़ का नेम लिया गया। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा ये देखना पड़ेगा, मैं आपको दिखाता हूँ उससे क्या होगा विद टू एरेज। तो देखिए मैसेज भी लिखा हुआ, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट यूजिंग एच स्प्लिट फंक्शन विद टू एरे। अभी हमने दो एरे लिए हैं इसमें, इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल स्प्लिट यूजिंग वी स्प्लिट फंक्शन विद टू एरे, इसी तरीके से यहाँ पर लिया गया। तो फिर इन दोनों एरे को प्रिंट भी करा दिया गया वर्टिकल स्प्लिट और हॉरिजॉन्टल स्प्लिट कराने के बाद। ये देखिए, ये प्रिंट कराया गया हॉरिजॉन्टल स्प्लिट कराने के बाद और ये प्रिंट कराया गया वर्टिकल स्प्लिट कराने के बाद। चलिए देखते हैं आउटपुट, देखते हैं आउटपुट से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये तो आउटपुट हो चुका है आपका, ये भी आउटपुट हो चुका है। यहाँ देखिए, ये था हॉरिजॉन्टल स्प्लिट यूजिंग एच स्प्लिट फंक्शन विद टू एरे। अभी हॉरिजॉन्टल जब स्प्लिट किया तो ये देखिए, ये एक एरे के बाद दूसरा एरे प्रिंट हो रहा है, क्लियर है। तो यही था, ये
AR1 से प्रिंट कराया था मैंने, आपको याद हो तो, ये AR2 से प्रिंट कराया था। और अभी मैं आपको थोड़ा और क्लियर आईडी दे देता हूँ, ये आपका ओरिजिनल एरे है। तो 0 1 2 3 4 5 ये एक एरे हो जाएगा, ये दूसरा एरे हो जाएगा। जब हम इसको शो कर रहे हैं तो ये इस तरीके से शो हो रहा है, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट हो रहा है, क्लियर है? नहीं, रोज क्रीज हो रही है इसके अंदर। चलिए अभी इसी काम को मुझे आगे करना है वर्टिकल स्प्लिट के लिए, तो वही काम वर्टिकल स्प्लिट के लिए किया है। तो देखिए ये वर्टिकल स्प्लिट के थ्रू प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी पहले कि जब हम एक वेरिएबल का नेम ले रहे थे, सिंगल वेरिएबल नेम ले रहे थे, तो आउटपुट कुछ इस तरीके से आ रहा था। देखिए यहाँ जहाँ फर्स्ट एरे कंप्लीट हुआ उसी के बाद सेकंड एरे स्टार्ट हो जाएगा, तो उतना सही नहीं लग रहा था देखने में। ठीक है, हमने दो वेरिएबल के नेम ले लिए तो अब थोड़ा ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है, चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं हम यहाँ पर। तो यही था, बाकी तो सिंपल ही है। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया, तो ये तो था एच स्प्लिट और वी स्प्लिट। ठीक, अभी हम बात करते हैं स्प्लिट फंक्शन की। तो देखिए जैसे हमने इसमें क्या पढ़ा था, अभी कॉन्कैटेनेट के बारे में ये पढ़ा था हमने कि कॉन्कैटेनेट जो होता है उसके लिए आपका एच स्टैक और वी स्टैक यूज़ करते हैं, और कॉन्कैटेनेट फंक्शन भी होता है लेकिन वहाँ हमें एक्सिस को बताना पड़ता है, बाय डिफॉल्ट एक्सिस जीरो होती है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई हो रहा है कि आप स्प्लिट कीजिए एच स्प्लिट के हेल्प से और वी स्प्लिट के हेल्प से, लेकिन अगर आपको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली स्प्लिट करना है और आपको ये दोनों फीचर्स एक ही फंक्शन के अंदर चाहिए तो वो प्रोवाइड कराता है नंपाई, और वो है आपका स्प्लिट के थ्रू। तो आप स्प्लिट के थ्रू करा दीजिए उसको। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट के थ्रू कराने में आपको ये करना पड़ेगा, और ये थोड़ी सी फंक्शनलिटी को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर देता है, उतना भी आसान है कि सिंपल नहीं है। देखिए मैं समझाता हूँ कैसे। अभी आपने A3 लिया, NP लिखा, स्प्लिट लिखा। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैंने कोई वैल्यू नहीं दी है, एक लिस्ट दी है। यहीं थोड़ा सा ये एक इसका कहते हैं कि एज होता है, एज मिलता है इसको, बाकी एच स्प्लिट और वी स्प्लिट पर। यहाँ मैंने जब ARY लिखा है तो क्या होगा, होगा ये कि ये स्प्लिट हो जाएगा, और स्प्लिट ऐसे होगा जैसे आपने इसके अंदर ये जो लिस्ट एज ए पैरामीटर वैल्यू पास कर रखी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये एक्चुअली में 3 parts में डिवाइड होगा, और चूंकि 3 parts में डिवाइड होगा तो मैं चाहूँ तो एक एरे के नाम से इसे प्रिंट करा सकता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने यहाँ पर 3 different एरे ले ली ताकि आपको बात अच्छी से और आसानी से समझ में आ सके। तो जो फर्स्ट एरे होगा स्प्लिट होने के बाद वो B1 कहलाएगा, सेकेंड एरे होगा वो B2 कहलाएगा, और जो थर्ड एरे होगा वो B3 कहलाएगा। क्लियर है? और ये सब काम किसके किस एक्सिस के अलॉन्ग हुआ है, X0। यहाँ पर कोई एक्सिस मेंशन नहीं है, यहाँ पर एक्सिस मेंशन करनी थी, लेकिन चूंकि यहाँ एक्सिस मेंशन नहीं है तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो X0 होगी। ये बिल्कुल कहानी ऐसे ही है जैसे कॉन्कैटेनेट के मामले में थी, तो वहाँ भी X0 डिफ़ॉल्ट थी, यहाँ भी X0 डिफ़ॉल्ट ही होगी। तो जब ये किया है हमने, तो करने के बाद क्या हुआ है, चलिए वो भी बताते हैं, और साथ साथ चलिए पहले यही बता देते हैं, आगे देखते हैं। ये एच स्प्लिट हो गया ना, ठीक, यहाँ तक था। ये देखिए स्प्लिट ऑफ एरे यूजिंग स्प्लिट फंक्शन अलोंग X0, 3 arrays में लेते हैं। तो ये पहला एरे है, एरे समझिएगा, अब आप वही चीज़ समझने लायक है इसके अंदर। ये है सेकंड एरे, और थर्ड एरे दिखा रहा है इंटरेस्टिंगली एम्प्टी। हुआ क्या, यहाँ पर आपने जो वैल्यू लिखी, यहाँ देखिए मैं दिखाता हूँ, एक मिनट, ये 1, ठीक है, तो 1 से पहले जितनी भी आपकी जो काउंटिंग थी स्प्लिट की वो स्टार्ट हो जाएगी। तो 1 से पहले तो 0 आता है, ठीक है, और एरे हमारा ये है, ओरिजिनल एरे हमारा ये है, एक मिनट, ओरिजिनल एरे ये है। तो आप चूँकि हॉरिजॉन्टल स्प्लिट कर रहे हो तो 0 1 2 3 4 5 ये आना चाहिए। ये देखिए
ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव ये आ गया। उसके बाद आपने कॉमा लगा के फोर लिखा, तो ये एक्चुअली तीन पार्ट में डिवाइड होगा, थ्री पार्ट्स में डिवाइड होगा। अब फोर तो फोर से पहले वाला एक बन जाएगा, ठीक है, ये ऑलरेडी बन चुका। तो फोर से पहले इंडेक्स पोजीशन वन, इंडेक्स पोजीशन टू और इंडेक्स पोजीशन थ्री पर जो एलिमेंट्स होंगे उनका एक एरे क्रिएट हो जाएगा। ये एरे क्रिएट हो गया, एक ये, एक ये और एक ये। थर्ड बनना था, अब चूंकि फोर पर कुछ है ही नहीं, तो जब फोर पर कुछ है ही नहीं तो फिर यहाँ पर एम्प्टी एरे क्रिएट होगा। और ये इसका डेटा टाइप दिखा रहा है। ये तब था जब हमने थ्री अलग अलग वेरिएबल को नहीं लिखा था, लेकिन अगर हम थ्री अलग अलग वेरिएबल को लिखेंगे तो फिर इस तरीके से दिखाएगा, सेकंड एरे, फर्स्ट एरे, थर्ड एरे। यहाँ थोड़ा सा आपको क्लियर पिक्चर मिलेगी, क्लियर है, तो इस तरीके से ये काम करता है आपका। चलिए अब आते हैं प्रोग्राम पर, अपने वापस लौटते हैं। तो अभी ये एक्सेस ज़ीरो के अलॉन्ग हुआ है, अभी इसी काम को आपको एक्सेस वन के अलॉन्ग करना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो करना ये पड़ेगा, बस यहाँ पर एक्सेस इक्वल टू वन एक पैरामीटर वैल्यू और ऐड कर देना पड़ेगा। अब इसको आप डायरेक्ट प्रिंट कराना चाहें तो डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हैं, और वो उन एरेज़ को आपको इंडिविजुअली प्रिंट कराना है तो एरेज़ का नेम ले लीजिए। जैसे मैंने यहाँ लिया है सी वन, सी टू, सी थ्री, तो इस केस में क्या लिया, अगर मैं ए फोर को प्रिंट कराता हूँ तो स्प्लिट कराने के बाद वैल्यू तो प्रिंट कराएगा, वो स्प्लिट वैल्यू को शो करेगा, लेकिन विद इन अ सिंग डायरेक्ट कंटिन्यूस मैनर में शो करेगा, लेकिन अलग अलग वेरिएबल का नेम दे देंगे तो हम इनको अलग अलग शो कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं यहाँ पर, क्लियर है। और एक्सिस वन के अलॉन्ग ये काम हो रहा है आपका। तो देखिए यहाँ पर स्प्लिट एरे सी वन को प्रिंट कराया है, फिर सी टू को प्रिंट कराया है, फिर सी थ्री को प्रिंट कराया है, ठीक है, और ये आउट का आउटपुट है। चलिए इसको और देखते हैं, यहाँ तक हम आ गए थे, ये आपका एरे है एक्चुअल में एरे। अब हमें वर्टिकल स्प्लिट करानी है, ठीक है, तो वर्टिकल स्प्लिट कराना है तो पहला पार्ट तो ये हो जाएगा, ठीक है, और क्योंकि वन से पहले दे रखा था, फिर फोर दे रखा था, तो ये ज़ीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, एक एरे ये बन जाएगा और थर्ड एरे इसके बाद का हो जाएगा, तो थ्री एरे बनेंगे। चलिए देखते हैं, ये देखिए एक एरे, थर्ड एरे देखिए और फर्स्ट एरे देखिए, इसके बीच में जो भी एलिमेंट्स होंगे ये आपके इसमें आ जाएंगे आपके, ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा अभी। और अगर हम इनको एक सिंगल वेरिएबल नेम से रिप्रेजेंट करें तो आउटपुट कुछ ऐसे आएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन का फ़र्क पड़ता है। और अगर आपने स्प्लिट करने के बाद नेम दे दिए हैं तो आप इसे इंडिविजुअली कहीं और कैलकुलेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं आसानी से, ये फ़र्क होता है आपका। को हम एक्चुअली हम किसी भी एरे को दो तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। तो हॉरिजॉन्टली स्प्लिट करना है तो एच स्प्लिट, वर्टिकली करना है तो वी स्प्लिट। और इसके साथ साथ एक फंक्शन और है जिसका नाम है स्प्लिट। अगर हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों फीचर्स एक ही फंक्शन के थ्रू चाहते हैं तो उसके लिए फंक्शन का नेम स्प्लिट है, वहाँ हमें एक्सेस मेंशन करनी पड़ेगी। लेकिन वहाँ भी अगर हम एक्सेस मेंशन नहीं करते तो डिफॉल्ट एक्सेस जो होती है वो एक्सेस जीरो होती है। ये आप याद रखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता है कि डिफॉल्ट एक्सेस क्या होती है, डिफॉल्ट एक्सेस जीरो होती है। और अगर हम एक्सेस वन लिखेंगे तो फिर उसी वन एक्सेस के अलॉन्ग स्प्लिट होगा। तो आज हमने पढ़ा नंपाई में कॉन्कैटिनेट और स्प्लिट। याद करने का तरीका बड़ा आसान है, जब आप कॉन्कैटिनेट फंक्शन को याद करें तो याद रखें कि कॉन्कैटिनेट फंक्शन की हेल्प से ही कॉन्कैटिनेट फंक्शन की हेल्प से आप कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। साथ साथ एच स्टैक और वी स्टैक और होते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कॉन्कैटिनेट करने के लिए। उसी तरीके से अगर आपको स्प्लिट करना है तो स्प्लिट फंक्शन है जहाँ आपको एक्सिस को मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप एक्सिस को मेंशन नहीं करना चाह रहे या हॉरिजॉन्टली वर्टिकली करना चाह रहे हैं तो एच स्प्लिट और वी स्प्लिट फंक्शन उस पर्पज के लिए यूज होते हैं। आई होप अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अभी आपको करना ही है कि ये प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करके देखिए तो आपको एक क्लियर आइडिया होगा कि किस तरीके से स्प्लिट फंक्शन काम करता है या किस तरीके से आपका कॉन्कैटिनेट होता है। तो इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ इतना था कि ये आपको फुल फंक्शनैलिटी को समझा सके कि कॉन्कैटिनेट किस तरीके से हुआ। इसलिए बीच में आपने देखा होगा कि कमेंट की फॉर्म में ना लेके मैंने प्रिंट मैसेज की फॉर्म में लिखा है, ताकि जब आपको आउटपुट मिले एज ए होल तो उस आउटपुट में भी आपको पता लगे कि ये आउटपुट जो मिला है आपका ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है।
तो इसीलिए इस तरह से प्रोग्राम को किया गया। तो आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ये फंक्शन वर्क करते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।